खुशबू और स्वाद का अनोखा संगम, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आरएमडी पान मसाला। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज हम बात करेंगे आरएमडी पान मसाले के बारे में। एक छोटे से शहर से निकल कर इतने बड़ी ब्रांड के मालिक कैसे बने, तो चलिए बात करते हैं बिना कुछ देरी के आरएमडी पान मसाले के बारे में। माणिकचंद समूह भारत में उद्योगों का एक ऐसा समूह है जो मुख्य रूप से ऐसी कंपनी के रूप में शुरू हुआ था जो जूस नाम का तम्बाकू था जिसे चबाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आज माणिकचंद गुटखा भारत में गुटखा का प्रमुख उत्पादक है। आरएमडी नामक सबसे सफल गुटखा में से एक है जो वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान अपने ब्रांड अम्बेसडर मोइज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यह उद्यम प्रायोजित होने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इस समूह की स्थापना श्री रसिक माणिकचंद धरीवाल ने एक छोटे से शहर सिरूर घोड़नाड़ी से की थी। एक छोटे से शहर का नाम था सिरूर, वहाँ से इन्हें अपने समूह की स्थापना की थी और इसका नाम इनके पिता माणिकचंद धरीवाल के नाम पर रखा गया था। बात करें इनके मुख्यालय की, इनका मुख्यालय पुणे में है। माणिकचंद समूह भारत में उद्योगों का एक निजी स्वयं का समूह है। यह मुख्य रूप से एक ऐसी कंपनी के रूप में शुरू हुआ था जो लगभग 6 दशक वाले गुटखा नामक चबाने योग्य तम्बाकू का उत्पादन करती थी। इस समूह में पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, पैकेज्ड वाटर, फ्लेक्सिबल लिमिटेड आदि विविध आते हैं। भारत में तंबाकू विज्ञापन पर सख्त प्रतिबंध या प्रतिबंध होने के कारण उद्योगों के उत्पादन के लिए ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड करके विज्ञापन करने के लिए मोर्चों के रूप में कार्य करते थे। इसके उत्पादों को दुनिया भर में 30 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाता है। बात करें इनके कंपनी के मालिक की, तो इनकी कंपनी का मालिक का नाम प्रकाश रसिक लाल धरीवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाइव कर रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।